हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, वेलकम टू बैंकिंग करियर। बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया है 2020 का, उसका फॉर्म कहां से भरें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, यानी आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है, अभी अगर आपने IBPS PO मेन दिया है या कोई भी 2019 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने मेन दिया है, प्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेन आपने दिया है तो आप कहाँ से फॉर्म भरे जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मेल किया, मैसेज किया, पूछा कि सर फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, कौन से स्टेट से फॉर्म भरे। और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश और बिहार उस साइड के जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया, पूछा कि कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो बताइए कि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो आगे जो भी प्रोसेस है LPT वगैरह का, कहाँ से फॉर्म भरना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, इसमें आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको कहाँ से फॉर्म भरेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोगों को रिक्वेस्ट पर बनाया हूँ, इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि पार्टिकुलर स्टेट में आप आके अप्लाई करो, मैं जो कुछ बातें हैं बताना चाहता हूँ, आई होप ये बातें आपको अच्छे लगे तो आप उसको अप्लाई करो, अदरवाइज कुछ नहीं, आप जहाँ से भरना चाहते हो वहाँ से आप डेफिनेटली भर सकते हो। तो बात करते हैं फ्रेंड, इसमें आपको सबको पता है कि टोटल जो पोस्ट आई है 926 पोस्ट आई है, इसमें जो जनरल की है 473 है, OBC के 192 है और EWS के 83 है, SC के जो है 98 है और ST के 80 है, यानी ओवरऑल जो है 926 पोस्ट है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ से फॉर्म भरे, यानी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपकी वैकेंसी है तो आप वहाँ से फॉर्म भरिए, वहाँ से आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप दूसरे जगह से फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरे स्टेट में, मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कौन से स्टेट में आपको कौन से लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसको बोलते हैं LPT, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी आप किसी दूसरे स्टेट में आप जाके फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, रीड राइट और अंडरस्टैंडिंग दोनों होनी चाहिए, यानी आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा प्री होने के बाद, मेन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद आपको LPT होगा। LPT में आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको फाइनल, आपको मेरिट लिस्ट यानी फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। यानी आप अपने स्टेट से छोड़ करके किसी और स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको LPT क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कौन से स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे तो कौन से आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर अहमदाबाद से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, यानी आप सपोर्ट है कि आप किसी हिंदी भाषी स्टेट के स्टूडेंट हो, आप महाराष्ट्र से भरना चाहते, अहमदाबाद से भरना चाहते हो या महाराष्ट्र से भरना चाहते हो तो अहमदाबाद यानी गुजरात से भरना चाहते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु से भरना चाहते हो तो आपको कनाडा आना चाहिए, उसके बाद भोपाल से भरना चाहते हो तो आप हिंदी है, आप हिंदी भाषी हो तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो, भुवनेश्वर से भरना चाहते हो तो आपको उड़िया आना चाहिए, यानी उड़ीसा से आप हो तो आप भर सकते हो, उसके बाद चंडीगढ़ से हो तो आप पंजाबी और हिंदी आती है तो भर सकते हो, चेन्नई से हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, उसके बाद गुवाहाटी से हो तो आपको यहाँ के जो लैंग्वेज है आसामीज, बंगालीज और बाकी जो लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए। यानी जिस भी स्टेट से हो, अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हो फॉर्म भरने के लिए तो वहाँ की आपको लैंग्वेज मस्ट है, आपको आनी चाहिए, तभी आप LPT क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप किसी और स्टेट से भर करके और वहाँ का जो लैंग्वेज है आपको टाइम मिलता है उसमें आप सीख सकते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने स्टेट से जहाँ से आप बचपन से जो भी लैंग्वेज पढ़े हो वहाँ से आप भरो। बहुत सारे स्टूडेंट जो आ करके, मैं यहाँ बात करता हूँ महाराष्ट्र मुंबई से भरते हैं तो वहाँ से आपको मराठी और आपको कोंकणी आनी चाहिए, यानी आपकी मराठी अच्छी है तो ही आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरिए, या किसी भी अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ के लैंग्वेज आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, तो तीनों आपको पढ़ने लिखने और समझने तीनों आनी चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी के स्टेट के यहाँ देखो, जैसे नागपुर है तो यहाँ मराठी और हिंदी चलेगा, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो, न्यू दिल्ली से हिंदी है तो भर सकते हो, पटना से हिंदी और मैथिली है तो भर सकते हो, बाकी त्रिवेंद्रपुरम और कोची से अगर आपको मलयालम आती है तो आप भर सकते हो, बाकी आपको हैदराबाद तेलुगु होना चाहिए, जयपुर में आपको हिंदी होनी चाहिए,
जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू, हिंदी और कश्मीरी आनी चाहिए। कानपुर, लखनऊ से भर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। कोलकाता से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बंगाली और नेपाली आनी चाहिए। यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ का आपको लैंग्वेज 100% आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतने दिनों में लैंग्वेज आप सीख सकते हो तो आप डेफिनेटली फॉर्म भरो और वहाँ से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आप कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, बस आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। अगर लैंग्वेज क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप देख लो वहाँ का लैंग्वेज क्या है, उसके बाद ही फॉर्म भरो। ओके फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ से कुछ समझा होगा और कुछ आपको जो भी स्टूडेंट का डाउट था उनका क्लियर हुआ होगा। क्योंकि डाउट रख करके आप कहीं से फॉर्म मत भरो, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद भी आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप डिसक्वालीफाई कर जाओगे, तो फिर आपको उस समय बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। तो आई होप फ्रेंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल बैंकिंग करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।